हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही डिश, जिसको हम शाही पनीर के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए मिलते हैं इस म्यूज़िक के बाद किचन में। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने इस ग्रेवी के लिए कुछ तैयारी पहले से कर ली है, जैसे कि प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन, ये हमने ले लिया है। आप स्क्रीन पे इसकी क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। और इसके साथ हमने मेलन सीड, तरबूज के बीज लिए हैं और ये गरम मसाला, जिसकी क्वांटिटी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसको हमें एक ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये खुशबू आने लगे। तब हम इसमें अपने सारे टमाटर प्याज वगैरह डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। आप ग्रेवी को पकने के बाद पहले जो बड़े बड़े मसाले हैं, गरम मसाले जैसे लकड़ी और बड़ी इलायची, इनको आप अलग कर सकते हैं। बाकी आप ग्रेवी के साथ पेस्ट बना सकते हैं। तो मैं लगभग अब इसका पेस्ट बनाने वाला हूँ। जैसे ही ये हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसको जार में डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे गाइस। और उसके बाद हम इसको इसी तेल में फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पेस्ट बनाने के बाद इसको इसी कढ़ाई में फ्राई करना है। तो इसमें हमें तब तक इसको फ्राई करना है धीमी आंच पे, जब तक कि ये मसाला अच्छे से पक नहीं जाता है और हमारी कढ़ाई में जो मसाला है उस पर से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो जैसे जैसे ये तेल अलग हो रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं, लगभग 2 से 2.5 चम्मच। और इसमें हमने काला नमक 1/2 टीस्पून के आसपास डाला हुआ है और 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर मिलाया हुआ है और नमक स्वादानुसार। तो अब हम इसको इसी में ऐड करने के बाद इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे, जब तक इसका मसाला अच्छे से मिक्स होके पक नहीं जाता है और हमारी ग्रेवी में तेल जो है वो अलग नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारी ग्रेवी पक रही है धीमी आंच पे। यहाँ पे आप गैस की फ्लेम जो है वो थोड़ा मीडियम टू लो ही रखिएगा, नहीं तो मसाला कढ़ाई में चिपक सकता है। तो बीच बीच में इसको चलाते भी रहिएगा गाइस, ताकि मसाला चिपके नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, तेल काफ़ी निकल चुका है इस मसाले में। और ये जो तेल है, ये रोगन है जो हमारी ग्रेवी को ख़राब होने से बचाता है। तो आप अगर चाहें तो इस ग्रेवी को अपने फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं गाइस, लगभग 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होगी इसी रोगन के साथ। तो लगभग मसाला पकने वाला है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने इसमें 300 ग्राम पनीर लिया है और 200 ग्राम खोया, इसी से हम इसकी ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो जैसे ही हमारा ये मसाला पक जाएगा तो हम इसमें खोया ऐड कर देंगे और फिर इसमें लगभग 2 से 2.5 कप पानी डाल देंगे और उसको एक साथ पकाते रहेंगे। तो देख सकते हैं मसाला मेरा पक चुका है। तो अब हम इसमें जो खोया है उसको हम ऐड कर देंगे दोस्तों, और उसको भी इसके साथ पका लेंगे। ये देख सकते हैं, खोया की क्वांटिटी हमने यहाँ पे 200 ग्राम रखी है। आप चाहें तो अपने ग्रेवी बढ़ाने के लिए इसमें खोया ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब लगभग मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया हुआ है। आप इसकी ग्रेवी की थिकनेस को देखते हुए, अगर लगता है कि ज़्यादा थिक है तो आप पानी की मात्रा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हमने यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मार्केट की अमूल क्रीम की जो आती है आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ग्रेवी को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते थोड़ा सा बॉयल होने देना है, लगभग 2 से 3 मिनट। जब तक इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे करके इसको पकाते रहेंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमारी ग्रेवी धीरे धीरे बॉयल होना शुरू हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों हमारी ग्रेवी जैसे ही बॉयल हो जाएगी, तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारा गरम मसाला है, धनिया पाउडर, ठीक है। तो अब हमारी ग्रेवी लगभग बॉयल हो चुकी है। आप दोस्तों उसको चलाते रहिएगा, वरना ये नीचे जल सकती है, क्योंकि खोया बहुत जल्दी चिपकता है आँच में, तो इसलिए इसको बीच बीच में आप चलाते रहिएगा दोस्तों। तो अब हमारी ग्रेवी लगभग अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग आप इसमें 1/2 टीस्पून के आसपास गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा, और इसमें लगभग 1/2 टीस्पून के आसपास धनिया पाउडर। तो ये मैंने अभी गरम मसाला ऐड किया है, अभी मैं एक पिंच यूज़ कर रहा हूँ। बीच में अभी मैं इसको फिर से थोड़ा सा और ऐड कर दूँगा।
और आप इसमें चाहें तो जो गरम मसाले की क्वांटिटी है वो अपनी ग्रेवी के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर मिलाएंगे और धनिया पाउडर मिलाने के बाद इसको अच्छे से पकने देंगे मसालों के साथ। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इसमें लगभग हाफ टी स्पून के आसपास धनिया डाला हुआ है। अब हम इसमें अपना पनीर ऐड कर देते हैं, जो हमारा 300 ग्राम पनीर था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको कम से कम अभी एक दो बॉयल तक पकाते रहेंगे, क्योंकि अब पनीर जब ग्रेवी के साथ पकेगा दोस्तों तो इसमें जितने भी मसालों का फ्लेवर है, साथ ही साथ जो नमक और बाकी सारे मसाले हैं, वो टेस्ट जो है वो पनीर के अंदर अच्छे से आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ग्रेवी के साथ लगभग दो तीन बॉयल तक अच्छे से पका लेंगे पनीर को। तो आप देख सकते हैं पनीर इसमें पक रहा है। तो दोस्तों इसमें जैसे ही हमारा ये पनीर पकने वाला हो जाएगा दो तीन मतलब मिनट तक, तब हम इसमें फाइनली जो आती है कसूरी मेथी, हम उसको ऐड कर देंगे लगभग हाफ टी स्पून। तो इससे टेस्ट हमारी ग्रेवी का बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही अमेजिंग होता है। कसूरी मेथी दोस्तों आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अगर आप इसमें डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो हमारा पनीर फाइनली डन हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पनीर काफ़ी अच्छा बना है, इसकी ग्रेवी की थिकनेस भी बहुत अच्छी है और ये टेस्टी भी बहुत होता है। तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।